दोस्तों एक दिन पहले ही अमित शाह उदयपुर आए और वहां पर मालविया भी पहली बार भाजपा के मंच से दहाड़े। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं जितने भी पंच हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं या जितने भी कांग्रेसी हैं उन सबको लेकर के मैं भाजपा में ज्वाइन करा दूंगा। अब कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा कार्यालय के बाहर स्वागत कर सभा का आयोजन किया गया और उस सभा से पहले उनका स्वागत भी किया गया, जगह जगह स्वागत हुआ और इसी स्वागत के अंदर एक और ऐसा संकेत मिला जिससे कांग्रेस को वागड़ में बड़ा झटका लग सकता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीमा पर जब मालविया पहुंचे तो सबसे पहले साबला हरि मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद महंत अच्युतानंद जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद लसाड़ा पुल पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, मानशंकर नेनावा, दीप सिंह वसूनिया मौजूद रहे। अब लसाड़ा पुल से बांसवाड़ा पहुंचे तब तक 1000 के करीब वाहनों का काफिला मालविया के साथ जुट गया। दोपहर करीब 2:30 बजे मालविया बांसवाड़ा शहर पहुंचे। अब खास बात क्या है ये तो आपको बताना ही रह गया। खास बात इसमें ये रही कि मालविया की पत्नी जिला प्रमुख रेशम मालविया और उनके बेटे आनंदपुरी उप प्रधान प्रेम प्रताप सिंह मालविया भी यहाँ मौजूद थे। जिला प्रमुख रेशम का पार्टी की ओर से माला पहना कर स्वागत किया गया। ऐसे में अब यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका वागड़ से लगने वाला है। रेशम मालविया भी भाजपा में शामिल होने जा रही हैं, ऐसा लगता है। जिला प्रमुख की सीट पिछले 24 सालों से कांग्रेस के खाते में ही रही है। ये देखते हुए आगामी पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस को अब बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।